वाह क्या मजेदार ट्रेन है, छुक छुक करती हुई माचिस की डिब्बियों से बनी हुई। देखो इसके लिए चीजों की जरूरत है, खाली माचिस की डिब्बियां, लाल और नीले रंग का ग्लेज पेपर, सिल्वर पेपर, पीला चार्ट पेपर, गोल्डन और काले रंग के गोल स्टिकर्स, एक बड़ा गत्ते का टुकड़ा 10x12 इंच का, चिपकाने के लिए ग्लो स्टिक या सेलो टेप, कैंची और काली टेप की ज़रूरत पड़ती है, काली पट्टियाँ कटी हुई हों या काला टेप हो। अब इसे हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले माचिस की डिब्बियों को लाल और नीले ग्लेज पेपर से कवर कर लो, देखो कैसे। इस तरह की 6-7 डिब्बियाँ कवर कर लो, कुछ लाल हो कुछ नीली हो। अब एक गत्ते के ऊपर पीला चार्ट पेपर कवर कर दो, जो ट्रेन खड़ी करने के काम आएगा, देखो कैसे हम बनाते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर काले रंग से इसकी ट्रेन की पटरियां बनाएंगे। इसके लिए तुम काली टेप का प्रयोग कर सकते हो या काली पट्टियों का। अब पटरी तो तैयार हो गई। अब इसके पहिए बनाने की कोशिश करते हैं। गोल्डन स्टिकर थोड़े बड़े साइज के होते हैं, इनके ऊपर काले स्टिकर लगा दो। स्टिकर ना मिले तो काली बिंदियां ले सकते हो, सस्ती बिंदियां मिल जाती हैं। बस गोल्डन स्टिकर के ऊपर काली बिंदियां लगाओ, पीछे थे स्टिकर को माचिस की डिब्बी के ऊपर चिपका दो, बस बन गए पहिए तुम्हारे। इंजन बनाने के लिए एक माचिस के ऊपर दूसरी माचिस की डिब्बी रखो, एक रंग की नीली और एक लाल रंग की, नीचे कोई सी भी रख सकते हो, ऊपर कोई सी भी रख सकते हो। इसमें सजाने के लिए आगे लाइट बनाओ, लाइट के लिए तुम सिल्वर पेपर इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर भी सजावट कर सकते हो सिल्वर पेपर से। बस तुम्हारी ट्रेन तैयार है, एक के पीछे एक डिब्बा रखते जाओ और देखो कैसे ट्रेन तुम्हारी छुक 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 करके भागने लगती है।